दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो गाइस 2021 जो है ख़त्म होने से पहले कई सारी वॉचेज जो हैं लॉन्च हुई हैं एंड एक स्मार्ट वॉच जो है और लॉन्च होने के लिए लाइन में आ चुकी है, जिसका नाम रहने वाला है बोट वॉच आयरिस। ये स्मार्ट वॉच बोट की तरफ से आने वाली गाइस, एंड ये स्मार्ट वॉच भी थोड़ी सी जो है हटके रहने वाली है, लेकिन एक बजट में जो है आपको अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आने वाली है। बट देखते हैं कि क्या ये स्मार्ट वॉच जो है इवॉल्व 2 की तरह ही रहती है या फिर इवॉल्व 2 से जो है ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। तो गाइज आज की जो वीडियो, इसमें हम जानेंगे इसी स्मार्ट वॉच के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस एंड क्या क्या जो हैं आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड प्राइस। तो गाइज वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल होने वाली है वीडियो में, तक बने रहना। गाइस चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं आपसे बिल्कुल मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्प्ले की। तो गाइस आपको इस स्मार्ट वॉच में 1.39 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि सर्कुलर डिजाइन के साथ आने वाली है। गाइस बात करें अगर इसके रेजोल्यूशन की, तो कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट इस साइज में गाइस आपको एटलीस्ट 390x390 पिक्सल तो मिलना ही चाहिए। साथ साथ गाइस स्मार्ट वॉच के जो डिस्प्ले की पिक्सल पर इंच डेंसिटी है वो है 462, तो काफ़ी जो है अच्छी डेंसिटी के साथ ये जो है आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। एमोलेड होने की वजह से आपको काफ़ी जो है डीप ब्लैक्स देखने को मिलेंगे, जिससे थोड़ी सी बैटरी भी सेव होगी एंड काफ़ी जो है आपको पंची कलर देखने को मिलने वाली है स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले से। गाइस डिस्प्ले के मामले में ये स्मार्ट वॉच काफ़ी जो है अच्छी रहने वाली है। बात करें गाइस अगर स्मार्ट वॉच के बॉडी की, तो गाइस ये स्मार्ट वॉच जो है मेटालिक फ्रेम के साथ आने वाली है। साथ साथ गाइस स्मार्ट वॉच की जो बॉडी है वो IP68 सर्टिफाइड है, जिसका मतलब है कि आपकी स्मार्ट वॉच जो है 1.5 मीटर गहरे पानी में जा सकती है। साथ साथ जो है सैंड एंड डस्ट प्रूफ भी जो है बन जाती है, तो स्मार्ट वॉच जो है ड्यूरेबिलिटी में काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें गाइस अगर हम हेल्थ फीचर की, तो स्मार्ट वॉच में आपको जरूरी सारे हेल्थ फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 लेवल मॉनिटरिंग, साथ साथ गाइस जो है स्लीप ट्रैकिंग भी आप स्मार्ट वॉच से कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको इसमें नॉर्मली सैटरडे रिमाइंडर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि कॉमन हो चुका है सभी स्मार्ट वॉचेस में। तो गाइस हेल्थ फीचर के मामले में भी ये स्मार्ट वॉच जो है कहीं से भी कम नहीं रहने वाली है। बात करें गाइस स्पोर्ट्स मोड की, तो आपको स्मार्ट वॉच में डेडिकेटेड 8 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे। तो गाइस बजट में जो है काफी कम स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, बट ठीक है गाइस अगर हम इन 8 एक्टिविटीज को भी अगर फॉलो कर लें तो बहुत होगा हमारे लिए, एंड काफ़ी जो है अच्छी फिटनेस रख सकते हैं। इसके अलावा गाइज बात करें अगर हम कुछ नोटिफिकेशंस की या फिर मोबाइल कंट्रोल फीचर की, तो गाइज आपको इसमें नॉर्मल जो है कॉल्स, मैसेज एंड जो अदर सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस हैं उनके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। साथ साथ गाइज आपको स्मार्ट वॉच में कैमरा एंड म्यूजिक का कंट्रोल देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है आप जो है स्मार्ट वॉच को एज अ शटर बटन यूज कर सकते हैं फोटो क्लिक करने के लिए, एंड गाइज जो है म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप बात करते हैं हम स्मार्ट वॉच के प्राइस की, तो गाइज स्मार्ट वॉच का जो प्राइस रहने वाला है, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है मेरे अकॉर्डिंग, वो है आई थिंक 3500 to 4000 के बीच में, क्योंकि गाइज सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ ऑलमोस्ट जो है 2 स्मार्ट वॉचेस इस प्राइस पे लॉन्च हो चुकी है, जिसमें से नॉइस फिट इवॉल्व 2 है एंड दूसरी फायरबोल्ट की तरफ से आने वाली फायरबोल्ट अल्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेज जो है काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आई हैं, बट नॉइस फिट इवॉल्व 2 का जो है रिस्पांस उतना अच्छा नहीं रहा, कई सारी जो है खामियां हैं स्मार्ट वॉच में, बट जो है अल्ट्रॉन काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है। तो देखते हैं कि क्या जो है बोट वॉच आयरिस फायरबोल्ट अल्ट्रॉन को टक्कर दे पाती है या फिर नहीं दे पाती है, क्योंकि एक बार लॉन्च होने के बाद ही ये चीज़ कंफर्म होगी कि कितनी एक्यूरेटली जो है इसके सेंसर्स वर्क करते हैं या फिर जो एक्टिविटी ट्रैकिंग है एंड डिवाइस का जो है ओवरऑल रिस्पांस कैसा है, एक बार लॉन्च होने के बाद ही पता लगेगा। बाकी गाइज ये स्मार्ट वॉच में आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस ये हो सकती है। एंड गाइज स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है, तो हो सकता है थिन डिस्प्ले ये जो स्मार्ट वॉच है उतना कंपैटिबल ना रहे। बाकी तो गाइज स्मार्ट वॉच जो है स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से काफ़ी अच्छी एंड प्रॉमिसिंग दिख रही है। गाइज बाकी आप लोगों का कोई सवाल या सुझाव है स्मार्ट वॉच को लेकर तो कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन जय हिंद।